One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सामान्य श्रेणी वालों को एकजुटता बनाए रखनी है कि कल को ऐसा ना हो कि हम लोगों को अपने लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग करनी पड़े। अगर ये मुद्दा जो आज राज्यसभा में प्रेषित किया जाना है, रखा जाना है, अगर वो किसी तरीके से पास हो गया तो वो समय दूर नहीं कि हम लोगों को भी अपने बच्चों के लिए, उनके आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक सीमा का उल्लंघन नहीं होता तब तक हम भी साथ रहते हैं और चलते रहते हैं। जब जब सीमाओं का उल्लंघन होता है तब तक लड़ाइयां लड़ी जाती है। हम लोग लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, हम लोग किसी प्रकार का उपद्रव करने के। ये आम सभा का आयोजन किया है कि कल को किसी प्रकार का कुठाराघात, किसी प्रकार का अत्याचार, किसी प्रकार का दुराचार हम सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के ऊपर ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन, आरक्षण बिल वापिस लो, आरक्षण बिल वापिस लो, आरक्षण बिल वापिस लो। नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन। तो भाई आपका नाम सर? गिरीश कुमार चुग। सर, जो आपने अथॉरिटी के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया है किस लिए करा? ये हम लोगों की एक खिलाफत है कि प्रमोशन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन ना दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो संभवतः एक वो समय आएगा जब हम सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक बार किसी को नौकरी में आरक्षण देकर के नौकरी में रख लिया जाता है तो उसको दोबारा प्रमोशन के प्रति उसको आरक्षण ना दिया जाए, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस गेट पे खड़े हुए हैं। क्योंकि आज राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाए, हम लोग उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।